Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel. This is the third lecture on window functions. So if you remember, हमने first जो lecture किया था वो एक live lecture था. फिर हमने कल भी एक lecture release किया था जो कि एक recorded lecture था. And this is the third part of the series. यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, हम लोग कुछ window functions cover करेंगे जो अभी तक हमने cover नहीं किए, और साथ ही साथ हम कुछ और mathematical quantities कैसे निकाली जाती हैं with the help of window functions, वो भी हम लोग सीखेंगे. ठीक है, आज के लेक्चर के लिए भी आई हैव मेड श्योर कि जो टीम है वो अवेलेबल रहेगी इन द चैट. सो जब ये वीडियो प्रीमियर हो रहा होगा, आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप तुरंत पूछ सकते हो, आर टीम विल बी देयर. ठीक है, तो या दैट्स द प्लान. इस लेक्चर के बाद आपको टास्क टू दिया जाएगा ऑन विंडो फंक्शंस. तो अगर आप टास्क वन और टास्क टू दोनों कर लेते हैं और ये तीनों लेक्चर्स अगर आप देख लेते हो, तो आई एम वेरी श्योर फिर आपको विंडो फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो या दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो गाइज, जो मैथ नेक्स्ट मैथमेटिकल क्वांटिटी है जो आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग अ विंडो फंक्शन, दैट इज परसेंट चेंज. ठीक है, अगेन समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो पहले मैं आपको बताता हूँ परसेंट चेंज क्या होता है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. सो परसेंट चेंज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज एज अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वैल्यू. इट इज ऑफन यूज टू मेजर हाउ मच अ वैल्यू हैज इंक्रीज और डिक्रीज over a given period of time or to compare two different values. Simple सी बात है, मैं आपको example के through समझाता हूँ. So ये जो आप नीचे cards देख रहे हो ना, ये actually मेरे YouTube channel के cards हैं. So होता क्या है कि जब भी एक month ख़त्म होता है, तो जैसे अभी आज March 2nd है, तो कल March 1st था, तो March 1st को YouTube क्या करेगा, मुझे Feb का पूरा analytics show करता है. जैसे कि यहाँ पर आप व्यूज़ का एनालिटिक्स देखो, ये है मेरा दिसंबर का एनालिटिक्स और ये है मेरा जनवरी का एनालिटिक्स. तो ये कार्ड मुझे दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है. फर्स्ट कि मुझे दिसंबर में कितने व्यूज़ मिले ओवरऑल, 5 लाख समथिंग. ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज़ भी डिस्प्ले कर रहा है, और वो ये है. ये क्या बता रहा है, 10% लेस देन द मंथ ऑफ नवंबर. सो इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर में जो मेरे व्यूज हैं, ये नवंबर से 10% कम है. राइट, सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये मेरे जैन के व्यूज हैं, तो जैन में आई गॉट अराउंड 6.5 लाख व्यूज, बट यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 16% मोर देन दिसंबर. ठीक है, तो इससे क्या होता है, परसेंट चेंज आपको एक बेसिकली आप क्या कर रहे हो, परसेंट चेंज के थ्रू आप एक क्वांटिटी को ट्रैक करते हो ओवर टाइम और पता करते हो कि वो वैल्यू कितने से बढ़ा कितने से घटा. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फाइनेंशियल डोमेन में, इवन और भी बहुत जगहों पे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया. कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है. आप क्या करते हो, आप न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हो और डिवाइड कर देते हो ओल्ड वैल्यू से, एंड दैट इज योर परसेंट चेंज. ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको यही परसेंट चेंज कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ. सो आई विल टेक द सेम एग्जांपल, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ माय यूट्यूब चैनल एंड यूट्यूब चैनल पे मेरे व्यूज, उसका डेटा मैं दिखाने वाला हूँ आपको. सो यू कैन सी, ये जो स्क्रीन पर है ना, ये मेरे यूट्यूब चैनल्स के डे बाय डे व्यूज हैं. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब से लाइक पर डे कितने व्यूज आ रहे हैं, ये डेटा है मेरे पास. सो यू कैन सी हर दिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये 2022 का डेटा है, ऐसे करते करते बेसिकली कल तक का डेटा है मेरे पास. तो मुझे क्या करना है, मुझे मंथ बाय मंथ परसेंट चेंज निकालना है. सो बेसिकली द फर्स्ट मंथ इन दिस डेटा इज अप्रैल 2019. ठीक है, अप्रैल 2019 का डेटा है, तो मुझे अप्रैल 2019, मई 2019, जून 2019, सो ऑन करते करते फेब 2023 तक का हर मंथ का परसेंट चेंज निकालना है व्यूज में. ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू. तो देखो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डेटा से सबसे पहले मंथ बाय मंथ कितने व्यूज पड़े मेरे चैनल पे, मुझे वो निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट ग्रुप बाय, इनफैक्ट मैं एक चीज दिखा देता हूँ उसके पहले. जैसे यहाँ पर ये डेट कॉलम है ना, तो मैं इस डेट से मंथ नेम एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ यूजिंग द मंथ नेम फंक्शन. सो अगर मैं यहाँ पर डेट डालूँ, तो यू वुड सी
फ्रॉम यूट्यूब व्यूज होगा आई गेस। यू कैन सी मैं मंथ एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली इफ आई वॉन्ट आई कैन एक्सट्रैक्ट ईयर एज वेल, अगर मैं यहाँ पे ईयर लिख दूँ। सो इफ आई रन दिस आई कैन एक्सट्रैक्ट ईयर नाउ, ठीक है। तो बेसिकली एक्सट्रैक्शन हो पा रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दो चीज़ों के बेसिस पे ग्रुप बाय कर रहा हूँ। ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ मंथ नेम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने सिर्फ मंथ के बेसिस पे क्यों नहीं किया ग्रुप बाय, बिकॉज ऑब्वियस बात है अगर मैं सिर्फ मंथ के बेसिस पे करूंगा तो हर ईयर का अप्रैल का डेटा जुड़ के एक सिंगल डेटा बन जाएगा। आई डोंट वॉन्ट दैट। आई वॉन्ट कि अप्रैल 2019 का डेटा अलग होना चाहिए, अप्रैल 2020 का डेटा अलग होना चाहिए, 21 का डेटा अलग होना चाहिए, दैट इज वाई, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी एंड आई विल पेस्ट एंड ऑल्सो फाइंड आउट द सम ऑफ व्यूज। ये क्वेरी क्या करेगी, ये हमें हर महीने, हर साल के हर महीने कितने व्यूज आए हैं वो बताएगी। अब यू कैन सी ये सॉर्टेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा ऑर्डर बाय दो चीजों के बेसिस पे। पहला ईयर के बेसिस पे और दूसरा मंथ के बेसिस पे, मंथ के बेसिस पे। सो यू कैन सी 2019 अप्रैल सबसे ऊपर आया, फिर मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, और ऐसा करते करते अगर आप एकदम नीचे जाओ तो आपके पास जो लास्ट रो है वो है फेब 2023, ठीक है। और हर महीने कितने व्यूज आए ये मेरे पास है। अब मुझे हर महीने के लिए क्या करना है, परसेंट चेंज निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ एज व्यूज, ठीक है, एज व्यूज। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक विंडो फंक्शन लगाऊंगा, और वो विंडो फंक्शन क्या करेगा, वो पिछले मंथ के व्यूज बताएगा। जैसे फॉर अप्रैल वो मार्च का व्यू बताएगा, फॉर मई अप्रैल का व्यू बताएगा, फॉर जून मई का व्यू बताएगा, एंड सो ऑन। बेसिकली व्हाट आई वांट इज आई वांट टू डू अ लैग, लैग ऑन विच कॉलम, व्यूज कॉलम, ठीक है। और ओवर ऑर्डर बाय लेट्स से ईयर ऑफ डेट, लेट्स ट्राई दिस। सिर्फ ईयर ऑफ डेट के ऊपर क्यों कर रहे हैं, हमें दोनों के ऊपर करना चाहिए। लेट्स डू मंथ डेट। एंड अभी भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेट मी सी। यहाँ पे जीरो तो ठीक है, यहाँ पे टू आना चाहिए था बिकॉज यहाँ पे टू है। उसका रीज़न है, ओके उसका रीज़न ये है कि हम व्यूज़ के ऊपर कर रहे हैं, हमें व्यूज़ के ऊपर नहीं करना, हमें सम ऑफ व्यूज़ के ऊपर करना है बिकॉज हमने मंथ के ऊपर एग्रीगेट कर लिया है। अब आई गेस ये सही देगा। तो ये जीरो है, फिर टू है, फिर जीरो है, फिर 12 है। सो यू कैन सी हमारे पास हर मंथ के सामने पिछले मंथ कितने व्यूज थे ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करंट वाले से पिछले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे लाइक दिस, एंड दिस विल गिव अस डिफरेंस, ठीक है। और फिर परसेंट डिफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी क्वांटिटी से डिवाइड मार देंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, उसको 100 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं सो दैट हमें परसेंट वैल्यू मिल जाए। सो यू कैन सी मल्टीप्लाइड बाय 100 या ओके ऑल्सो इसको कुछ बुला लेते हैं एज परसेंट चेंज। तो लास्ट की वैल्यूज देखते हैं, -8% दिसंबर में दिखा रहा है, हमारे डेटा में था -10%। और ये 10% इसलिए बिकॉज इसमें शायद लाइव क्लासेस का भी व्यू काउंट एडेड है,
और जनवरी में 15% है, यहाँ पे 16% है. तो या यू कैन सी दिस इज द रिजल्ट. नाउ आई कैन एक्चुअली गो एंड चेक कि हर महीने, जैसे नवंबर में आई सॉ गुड परसेंट चेंज, लाइक फर्स्ट वाले के, लाइक अक्टूबर के कंपैरिजन में आई हैड अ 32% का इंक्रीमेंट इन माई व्यूज. ठीक है, वेयर एज अक्टूबर वॉज बैड बिकॉज मे बी दुर्गा पूजा एंड ऑल, दिवाली एंड ऑल फेस्टिविटीज की वजह से व्यूज नीचे चले गए इन कंपेरिजन टू सेप्टेम्बर. ठीक है, एंड इस तरीके से आई कैन गो एंड आई कैन स्टडी एनी ऑफ द मंथ्स. ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप और भी चीजें कर सकते हो. जैसे लेट्स से आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर व्यूज निकालने होते तो आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे मंथ नेम के बदले क्वार्टर डाल सकते थे, और ये जो व्यू होगा फिर क्वार्टर के बेसिस पे होगा. जैसे मैं यहाँ पे क्वार्टर डाल दे रहा हूँ, तो क्वार्टर ऑटोमेटिकली डेटा में से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर निकाल लेता है. यहाँ पर भी वी शुड पुट क्वार्टर, क्वार्टर दिस शुड ऑल्सो बी क्वार्टर एंड दिस शुड ऑल्सो बी क्वार्टर. ठीक है, और इस क्वेरी को अब रन किया एंड यू कैन सी अप्रैल से स्टार्ट हो रहा था ना, तो सेकेंड क्वार्टर हुआ 2019 का. अब अगर आप एकदम नीचे आओ तो यू कैन सी 2022 का फोर्थ क्वार्टर में आई सॉ 29% इंक्रीज इन माई व्यूज, 2022 थर्ड क्वार्टर में 52%, 2022 सेकेंड क्वार्टर में 46%, 2022 फर्स्ट क्वार्टर में 81% व्यूज इंक्रीज. ठीक है, ये वाला -19 इसलिए है क्योंकि अभी बस जनवरी और फेब का डेटा है, मार्च का डेटा के बाद शायद इम्प्रूव कर जाए. तो जो भी है, मतलब दैट इज हाउ यू फाइंड आउट परसेंट चेंज एंड द फंक्शन दैट यू यूज इज लैग. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल क्वांटिटी, फाइनेंशियल क्वांटिटी, और ये बहुत यूज किया जाता है फाइनेंशियल डेटा के ऊपर. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया. सो गाइज, अभी तक हमने लीड और लैग जब भी यूज किया है तो हमने एक रो से आगे बढ़ाया है या पीछे किया है, राइट? बट कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक से ज्यादा रो पीछे जाना पड़ेगा या एक से ज्यादा रो आगे जाना पड़ेगा. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. सो यूट्यूब नॉट ओनली मुझे मंथ बाय मंथ बेसिस पे परसेंट चेंज बताता है, बट मुझे ये भी बताता है कि ऑन अ वीकली बेसिस परसेंट चेंज कैसा रहा. जैसे कि ये देखो, ये अभी सबसे रीसेंट वीक के मेरे व्यूज हैं, और ये साथ ही साथ मुझे ये भी बता रहा है अबाउट द सेम एज प्रीवियस 7 डेज, राइट? मतलब कुछ खास चेंजेस नहीं हुए, उसी बराबर ही व्यूज है दोनों में, राइट? तो वॉट इफ कोई मुझे ये बोल दे कि मुझे किसी भी गिवन डेट पे, किसी भी एक गिवन डेट पे आई हैव टू फाइंड आउट कि लास्ट 1 वीक का परसेंट चेंज क्या है, तो मैं कैसे करूंगा इस प्रॉब्लम को? बहुत सिमिलर है. देखो, मैं बस ये एक वेरिएशन के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ. आप क्या करोगे, दिस इज योर डेटा, आप बस क्या करोगे, व्यूज आपके पास हैं, आप हर दिन के अगेंस्ट एक हफ्ते पहले का व्यू निकाल लोगे. सो यू वुड राइट समथिंग लाइक दिस, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट लैग व्यूज कॉमा 7. 7 का मतलब 7 रो पीछे का डेटा दिखाओ. ठीक है, ओवर ऑर्डर बाय डेट. जैसे आप इस कोड को रन करोगे, यू वुड सी पहले 7 रोज नल होंगे बिकॉज शिफ्टिंग हो गई है, और आप एकदम बॉटम में अगर जाओगे तो यू वुड बी एबल टू सी कि जैसे कि ये 28 तारीख है, ठीक है, 28 फरवरी, तो उस दिन इतने व्यूज थे, और ठीक एक हफ्ते पहले मतलब 21 तारीख को इतने व्यूज थे. ठीक है, तो यू कैन सी एक्चुअली अगर आप 21 तारीख पे जाओ, ये रहे 21 तारीख के व्यूज, और वही मुझे यहाँ पे दिखा रहे. तो बेसिकली एक पूरे हफ्ते में कितना चेंज आया, ये डेटा मेरे पास है. अब मैं क्या करूँगा, मैं व्यूज को पकड़ूंगा और व्यूज से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. दिस विल गिव मी द डिफरेंस इन व्यूज. सो यू वुड सी एकदम बॉटम पे जाने पे दिस इज द डिफरेंस इन व्यूज. ठीक है, सो यू कैन सी अराउंड -56, यही वहां पे डेटा में आपको मैं दिखा रहा था कि बहुत ही नेग्लिजिबल है. अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा विद द ओल्ड वैल्यू, एंड द ओल्ड वैल्यू इज दिस. सो आई वुड कॉपी, आई वुड पेस्ट, एंड आई वुड मल्टीप्लाई दिस एंटायर थिंग विथ 100. ठीक है, एंड आई विल कॉल इट
वीकली परसेंट चेंज, और इसको मैं जैसे ही रन करूँगा, ऑब्वियसली शुरू के दिनों में आपको ये नहीं मिलेगा, बट या यू कैन सी दीज आर द वीकली चेंजेस, अ लॉट ऑफ नेगेटिव वैल्यूज बिकॉज काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है, जैसे यहाँ पे घट ही गया है पिछले भी मंथ के कंपैरिजन में, यहाँ पे कुछ खास डिफरेंस नहीं था, यही आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था, अबाउट द सेम एज प्रीवियस बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू जीरो, फिर 4% पॉजिटिव, 7% पॉजिटिव, 10% पॉजिटिव, 10% पॉजिटिव, तो आई कैन एक्चुअली सी कि वीक बाय वीक मेरा ग्रोथ कैसा रहा है इन टर्म्स ऑफ व्यूज, ठीक है। तो ये एग्जांपल बस आपको ये दिखाने के लिए था कि आप लैग में कितने रोज आगे लेके जाना है या कितने रोज पुराना दिखाना है, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। सेम विथ लीड, लीड में भी आप ये सेम काम कर सकते हो कि आप जितने मर्जी रोज आगे का डेटा देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको परसेंट चेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो गाइज जो अगला मैथमेटिकल क्वांटिटी कैलकुलेट जो आप कर सकते हो यूजिंग विंडो फंक्शन इज क्वांटाइल्स, ठीक है। शायद आपने क्वांटाइल्स और परसेंटाइल्स के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और फिर हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटाइल्स एंड क्वांटाइल्स यूजिंग विंडो फंक्शंस, ठीक है। सो क्वांटाइल क्या होता है? अ क्वांटाइल इज अ मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा दैट डेटा सेट दैट डिवाइड्स द डेटा इन टू एनी नंबर ऑफ इक्वली साइज इंटरवल्स। सिंपल सी बात होती है, क्वांटाइल्स होता है आपके डेटा को इक्वल साइज इंटरवल्स में ब्रेक करना, ठीक है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, अगर अपने पूरे डेटा को आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, नाउ दैट इज कॉल्ड डिसाइल्स, ठीक है। अगर आप अपने पूरे डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, 4 इक्वल पार्ट्स में, तो उसको क्वार्टाइल्स बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। सिमिलरली अगर आप अपने पूरे डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो उसको परसेंटाइल बोला जाता है, ठीक है। आई होप ये सब आपने सुन रखा होगा पहले से। सो ईच क्वांटाइल रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू बिलो विच अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डेटा फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, द 25th परसेंटाइल ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट क्वार्टाइल और Q1 रिप्रेजेंट्स द वैल्यू बिलो विच 25% ऑफ द डेटा फॉल्स। आ रहे समझ में? मतलब मान लो आपने क्या किया, आपने अपने क्लास में घुस के बच्चों का टेस्ट लिया। अभी हर बच्चे के कुछ मार्क्स आए होंगे, मान लो पहले बच्चे के 56 आए, दूसरे के 61 आए, तीसरे के 93 आए, 81 आए, इस तरीके से आपने 50 बच्चों का टेस्ट का मार्क्स स्टोर कर लिया, राइट। नाउ आपने निकाला 25th परसेंटाइल, ठीक है, वो निकल के आया लेट्स से 45। तो ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लास के 25% बच्चों का मार्क्स 45 के बराबर या उससे कम है। फिर आपने निकाला 50 परसेंटाइल, तो ये निकल के आया लेट्स से 65। तो इट मींस क्लास के आधे बच्चों के मार्क्स 65 से कम है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे कैट वगैरह में भी जब एग्जाम होता है तो कोई बोलता है ना, मेरा 99% आया। 99% का मतलब है कि उसके मार्क्स इतने हैं कि 99% बच्चे उससे पीछे हैं, यही मतलब होता है उसका, ठीक है। तो यही फंडा होता है परसेंटाइल्स एंड क्वांटाइल्स का। द गुड पार्ट इज कि आप एसक्यूएल में विंडो फंक्शन यूज करके परसेंटाइल्स कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए एक स्पेशल आपको विंडो फंक्शन दिया जाता है परसेंटाइल डिस्क बोल के, मैं आपको वो यूज करना सिखाऊंगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल शो यू कि हाउ कैन यू फाइंड आउट मीडियन ऑफ अ डेटा। हमने एवरेज निकालना सीखा है, अभी हम देखेंगे कि मीडियन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मेरे पास एक डेटा सेट है, दिस इज द डेटा सेट। यहाँ पे मेरे पास बच्चों का स्टूडेंट आईडी है, उनका नाम है, उनका ब्रांच है और उनके मार्क्स कितने आए, ये इन्फॉर्मेशन है। 17 बच्चे हैं मेरे पास, देर आर 17 स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे क्या करना है, इन बच्चों का मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से देखना, आपको ये लिखना होता है। सो देर इज अ फंक्शन कॉल्ड परसेंटाइल अंडरस्कोर डिस्क या डिस्क्रीट बोल सकते हो आप, और यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपको कौन सा परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। जैसे आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, दैट इज 50 परसेंटाइल, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 0.5, ठीक है। 0 से 1 के बीच में वैल्यू होती है। अगर आपको 75th परसेंटाइल निकालना होता तो आप 7.5 लिख देते, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, यहाँ पर एक नई चीज आती है, आप लिखते हो विद इन
ग्रुप ऑर्डर बाय मार्क्स। सो बेसिकली आप मीडियन या फिर कोई भी परसेंटाइल तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपका डेटा सॉर्टेड हो। तो ये विद इन ग्रुप क्या कर रहा है, ये आपके डेटा को सॉर्ट कर रहा है किस चीज़ के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे, और कौन से ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद वही अपना टिपिकल ओवर वाला फंक्शन, इसके अंदर अभी आपको फिलहाल कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और इसको आप बुला लो एज मीडियन मार्क्स, ठीक है। और इस कोड को आप जैसे ही रन करोगे यू कैन सी कि मीडियन मार्क्स 78 है हमारे डेटा में। इसका मतलब आधे बच्चे जो हैं हमारे डेटा में उनके मार्क्स 78 के नीचे हैं, और जो आधे बच्चे हैं उनके 78 के ऊपर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ब्रांच वाइज मीडियन ऑफ स्टूडेंट मार्क्स। अब मुझे ओवरऑल मीडियन नहीं चाहिए, मुझे ब्रांच वाइज मीडियन चाहिए। तो सिंस दिस इज अ विंडो फंक्शन, आप इसके ऊपर पार्टीशन कर सकते हो। आप यहाँ पे ओवर में जाओगे और आप लिखोगे पार्टीशन बाय ब्रांच, और आप इस कोड को जैसे ही रन करोगे नाउ यू वुड सी कि आपके पास ब्रांच के हिसाब से मीडियन मार्क्स है। जैसे कंप्यूटर साइंस में 78 इज द मीडियन मार्क्स, बट ईसीई में यू कैन सी 88 इज द मीडियन मार्क, ट्रिपल ई में 69 एंड मैकेनिकल में 51, ठीक है। तो इस तरीके से आप और ग्रैनुलर लेवल पे भी मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को, वो ये है कि एक और फंक्शन भी होता है जिसको हम बोलते हैं परसेंटाइल कॉन्ट। जैसे ये डिस्क है वैसे एक परसेंटाइल कॉन्ट भी होता है, कॉन्ट फॉर कंटिन्यूअस। तो मैं आपको एक बार वो भी रन करके दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम चीज है, ऑलमोस्ट सेम चीज है, देर इज ओनली वन बिग डिफरेंस, आई विल शो यू व्हाट दैट डिफरेंस इज, बट उसके पहले आई विल जस्ट रन दिस कोड जस्ट टू शो यू साइड बाय साइड दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्ट, और इस जगह पे भी आई विल कम एंड आई वुड राइट कॉन्ट एज इन कंटिन्यूअस, ठीक है। और इसको हमने रन कर दिया एंड यू कैन सी देर इज अ डिफरेंस कि सी एस ई की जब बात कर रहे हो तो मीडियन मार्क्स 78 आ रहा है, बट यहाँ पे 86 आ रहा है। सिमिलरली जब आप ई सी का बात कर रहे हो तो मीडियन मार्क्स 88 आ रहा है, बट यहाँ पे 91.50 आ रहा है, एंड यहाँ पे 69 तो 69 ही आ रहा है, और 51 तो 60 आ रहा है। तो लेट्स डिस्कस इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सो परसेंटाइल कॉन्ट जो होता है इट कैलकुलेट्स द कंटिन्यूअस परसेंटाइल वैल्यू। तो अभी आपके पास जो डेटा है वो किस तरीके से है, आपके पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उनको आप सॉर्ट करके लिखो तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेट्स से 25, 37, 45। तो बेसिकली दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज, राइट, दीज आर नॉट कंटिन्यूअस, बीच में कोई वैल्यू नहीं है, बीच में कोई वैल्यू नहीं है। बट परसेंटाइल काउंट क्या करता है, कंटिन्यूअस क्या करता है कि वो इस पूरे डेटा को एक कंटिन्यूअस डेटा की तरह देखता है, ठीक है। अब वो उस कंटिन्यूअस डेटा के अंदर मीडियन या फिर कोई भी परसेंटाइल वैल्यू कैलकुलेट करता है। सो इसीलिए आपके पास क्या होता है कि जो वैल्यूज आती हैं वो कंटिन्यूअस वैल्यूज आती हैं, ठीक है। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। सो द फंडा इज सिंपल कि परसेंटाइल कंटिन्यूअस वाली जो वैल्यू है वो बेसिकली कोई कंटिन्यूअस वैल्यू होगी, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो डेटा के अंदर हो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ, इन अदर वर्ड्स इट एस्टिमेट्स द परसेंटाइल वैल्यू बाय अज्यूमिंग दैट द वैल्यूज बिटवीन डेटा पॉइंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है। 25 से लेके 37 के बीच में द एंटायर डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, दिस फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू दैट मे नॉट बी प्रेजेंट इन द ओरिजिनल डेटा सेट। दिस इज द मेन पॉइंट कि हो सकता है कि आपको जो परसेंटाइल वैल्यू मिले, जैसे यहाँ पर आप देखो आपको 86.5 मिल रहा है, अब आप देखोगे तो किसी भी सीएससी के बच्चे का 86.5 नहीं है, ठीक है। क्यों आया 86.5, बिकॉज आप कंटिन्यूअस वैल्यूज लेके चल रहे हो, ठीक है। वेर एज जो परसेंटाइल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट होता है वो डिस्क्रीट परसेंटाइल वैल्यू कैलकुलेट करता है, ठीक है। दिस फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू दैट इज प्रेजेंट इन द ओरिजिनल डेटा सेट। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, मान लो ये आपके पास डेटा है, तो जब आपका आप इसका कंटिन्यूअस वाला निकालोगे तो बेसिकली इन दोनों के बीच में 3 और 4 है, और इन दोनों को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो इट वुड बी 3.5।
कंटिन्यूअस वाले का 3.5 होगा, वेर एज डिस्क्रीट वाला या तो 3 को पकड़ लेगा या 4 को पकड़ लेगा, या 3 होगा या 4 होगा. सो बेसिकली ये हमेशा डेटा के अंदर होगा, दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो डेटा के अंदर हो. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है. तो दैट्स द ओनली डिफरेंस, कोई खास बड़ी बात नहीं है. सो दैट इज वाई आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जब भी आपको कुछ भी डेटा दिखाई देगा वो हमेशा डेटा से आएगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हो 88 डेटा में है, मैकेनिकल में भी यू कैन सी 51 डेटा में है. तो बेसिकली डेटा से ही पिक हो रहा है, वेयर एज जो आपका कंटिन्यूअस वाला है वो कंटिन्यूअस वैल्यू निकाल रहा है. तो इट बेसिकली डिपेंड्स आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है. आप परसेंटाइल डिस्क्रीट भी यूज कर सकते हो, आप परसेंटाइल कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया. अब एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं. अगर आप नोटिस करो इस डेटा में, तो एक बच्चा है ऐसा जिसके मार्क्स 1 है. ठीक है, लेट मी शो यू. लेट मी जस्ट पुट अ सेमी कोलोन, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम मार्क्स. सो ये लास्ट में एक बच्चा मैंने जानबूझ के ऐड किया अभी बोल के, इसके मार्क्स 1 है. ठीक है, तो बेसिकली ये आउटलायर है, बाकी सभी बच्चों के मार्क्स देखो कैसे हैं और इस बच्चे के 1 है, तो ये आउटलायर है. तो नाउ आई वुड लाइक टू शो यू कि हाउ कैन यू राइट अ क्वेरी जिसको यूज करके आप आउटलायर्स को रिमूव कर सकते हो अपने डेटा में से. ठीक है, अब आउटलायर्स को रिमूव करना इज अ ट्रिकी थिंग, बहुत तरीके होते हैं उसको रिमूव करने के. मैं आपको कौन सा तरीका दिखाने वाला हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंटर क्वार्टाइल रेंज वाला तरीका. सो अगर आपको याद होगा मैंने आपको बॉक्स प्लॉट पढ़ाया था, और बॉक्स प्लॉट कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा आपके स्क्रीन पर है. एंड यू कैन सी कि होता क्या है कि आप बेसिकली अपने क्वार्टाइल्स निकालते हो. ठीक है, Q1, Q2, Q3. Q1 इज योर 25th परसेंटाइल, Q2 इज योर मीडियन 50th परसेंटाइल, एंड Q3 इज योर 75th परसेंटाइल. और ये Q3 माइनस Q1 जो होता है इसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं, बेसिकली बीच का 50% डेटा आपका. ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR, और मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट होता है, Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR. आउटलायर्स कैसे डिफाइन हो रहे हैं कि जो भी मिनिमम से छोटा है और जो भी मैक्सिमम से बड़ा है उसको हम आउटलायर बोल देंगे. तो इस टेक्निक को यूज करके आई वॉन्ट टू रिमूव द आउटलायर्स दैट आर प्रेजेंट इन माई डेटा सेट. ठीक है, तो देखो कैसे करोगे आप. हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे डेटा के अंदर Q1 और Q3 निकालेंगे, बेसिकली Q1 और Q3 निकालेंगे, 25th परसेंटाइल 75th परसेंटाइल, ध्यान से देखना. सो व्हाट आई विल डू इज आई वुड राइट परसेंटाइल अंडरस्कोर कंटिन्यूअस, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द 25th परसेंटाइल विद इन ग्रुप ऑर्डर बाय मार्क्स ओवर नथिंग एज Q1. आई विल कॉपी दिस लेट्स कॉल दिस Q3 एंड द ओनली डिफरेंस वुड बी दैट दिस वुड बी 75. और ये देखो गाइस, तो मेरे पास मेरा Q1 और Q3 आ गया. ठीक है, आई कैन इजिली कैलकुलेट माई इंटर क्वार्टाइल रेंज इफ आई वॉन्ट. Q3 माइनस Q1 विल बिकम माई इंटर क्वार्टाइल रेंज. वॉट आई विल डू इज आई पुट दिस एंटायर क्वेरी इन साइड अ सब क्वेरी. लेट्स राइट इट लाइक दिस, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल, लेट्स कॉल इट P टेम्प्रोरीली. ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उन रोज को रखना चाहता हूँ जहां पे ये कंडीशन ट्रू है. कंडीशन क्या है कि टी डॉट मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन Q1 एज इन टी माइनस Q1 माइनस 1.5 टाइम्स टी माइनस Q3 माइनस टी डॉट Q1. ठीक है, और वी वॉन्ट वेयर टी डॉट मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू एंड वी वॉन्ट टी डॉट मार्क्स शुड बी लेस देन Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR. बेसिकली मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया कि मुझे
इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और इससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए, वही डेटा मुझे दिखाओ, बाकी जो इन दोनों के बाहर है आउटलायर्स है उनको मत दिखाओ, ठीक है? आई होप दिस इज द करेक्ट क्वेरी, लेट्स रन दिस एंड एक काम करते हैं, लेट्स ऑल्सो ऑर्डर बाय टी डॉट स्टूडेंट आईडी, ओरिजिनल वाला ही रखते हैं। एंड यू कैन सी लास्ट में जो हमारा 17th स्टूडेंट था अभी, जिसके मार्क्स 1 थे, वो अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, हमने उस आउटलायर को रिमूव कर दिया, ठीक है? तो ये IQR टेक्निक से हमने अभी क्या किया, आउटलायर रिमूवल किया। अगर आपको आउटलायर्स देखना होता तो आप क्या करते, आप ये लिखते कि कौन कौन से पॉइंट्स आउटलायर्स हैं, आपको ये देखना है, तो आप क्या करते, यहाँ पे T1 डॉट मार्क्स इज लेस देन दिस और ग्रेटर देन दिस। एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट ट्राई विथ दिस वन, शुड हैव गिवन अस मे बी इक्वल टू, पे आ रहा है क्या? ओ जस्ट इक्वल टू पे आ रहा है, इस वैल्यू के जस्ट बराबर आ रहा है, दैट्स वाई, ठीक है? तो जो भी है, लाइक दिस गाय इज द आउटलायर, तो ये एक टेक्निक है जिसको यूज करके आप आउटलायर डिटेक्शन कर सकते हो, और अगर आप इसको डिलीट के साथ यूज करो तो आप आउटलायर रिमूवल भी कर सकते हो, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया हाउ टू यूज परसेंटाइल्स एंड क्वांटाइल्स यूजिंग विंडो फंक्शंस। सो गाइज, अगली जो चीज है जो आप विंडोज फंक्शन के थ्रू अचीव कर सकते हो वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि आप अपने डेटा पॉइंट्स को बकेट्स में डालते हो, ठीक है? तो हम यहाँ पर एक नया फंक्शन पढ़ने वाले हैं, एक नया विंडो फंक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एंटाइल, ठीक है? एंटाइल क्या करता है कि एंटाइल आपके डेटा को बकेट्स में डिवाइड कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया और कॉलम, ठीक है? सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेगमेंटेशन यूजिंग एंटाइल इज अ टेक्निक इन एसक्यूएल फॉर डिवाइडिंग अ डेटा सेट इंटू इक्वल साइज ग्रुप्स बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया और कंडीशंस एंड देन परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस और एनालिसिस ऑन ईच ग्रुप सेपरेटली यूजिंग विंडो फंक्शंस, ठीक है? तो बेसिक फंडा ये है कि आप अपने डेटा पॉइंट्स को बकेट्स में डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर कॉलम, जैसे कि मान लो आपके पास स्टूडेंट्स का डेटा है, उनके मार्क्स का डेटा है, और आप उनको 3 बकेट्स या 4 बकेट्स में डिवाइड करना चाहते हो। लेट्स से द टॉप बकेट इज शार्प, वेरी शार्प स्टूडेंट्स, देन मीडियम लेवल स्टूडेंट्स, थर्ड इज पुअर स्टूडेंट, समथिंग लाइक दैट। या फिर आप अपने कस्टमर्स को डिवाइड करना चाहते हो इंटू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ उन्होंने कितना परचेज किया है, कितना ऑर्डर वैल्यू परचेज किया है, प्रीमियम कस्टमर, मॉडरेट, वीक कस्टमर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो इस तरह के सिचुएशंस के लिए आप एंटाइल को यूज करते हो। एंटाइल क्या करता है, एंटाइल बेसिकली आपके डेटा को डिवाइड कर देता है इंटू सेपरेट बकेट्स, और वो हमेशा कोशिश करेगा इक्वल साइज बकेट्स बनाने का। कभी कभी ऐसा होगा कि इक्वल साइज बकेट्स नहीं बनेंगे, जैसे कि आपके पास 10 डेटा पॉइंट्स हैं और आपने बोला कि भाई उससे मुझे 3 बकेट्स बना के दो, तो फिर ऑब्वियसली एक पॉइंट बच जाएगा, 3 3 3 और 1 बच जाएगा, तो फिर वो हमेशा सबसे पहले वाले बकेट में डालने की कोशिश करेगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे काम कर रही है। लेट्स से आपके पास अगर 10 डेटा पॉइंट्स, तो या लेट्स से 11 डेटा पॉइंट्स है, लेट्स से आपके पास 11 डेटा पॉइंट्स है, गिव मी 1 सेकेंड, या लेट्स से आपके पास 11 डेटा पॉइंट्स है, तो आपको इसको 3 बकेट्स में डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड होगा, पहले 3 3 और 3 का फॉर्म हो गया, और फिर जो 2 बचे वो पहले वाले 2 में एडजस्ट हो जाएंगे, सो बेसिकली 4 4 3 बन जाएगा, ठीक है? इस तरीके से बकेटिंग होती है। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो मान लो हमारे पास ये जो टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, हमें यहाँ पर 17 स्टूडेंट्स हैं और हम उनको 3 बकेट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है? तो कैसे करोगे आप, बहुत सिंपल है, आप कॉमा लगाओगे और यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर आप लिखोगे एंटाइल, ठीक है? फिर एंटाइल के अंदर यहाँ पे आपको बताना होता है कितने बकेट्स चाहिए, मुझे 3 बकेट्स चाहिए, ओवर यहाँ पर आप बता सकते हो कि इफ़ यू वॉन्ट टू पार्टीशन ऑन अ बेसिस ऑफ समथिंग, लेट्स से आप ब्रांच के अंदर बकेटिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे पार्टीशन बाय ब्रांच कर दोगे, फिलहाल मुझे ओवरऑल डेटा के ऊपर बकेटिंग करनी है,
और मैं इसको लेट्स कॉल इट बकेट्स या ग्रुप्स, कुछ भी बोल सकते हो आप। और आप इसको जैसे ही रन करोगे, यू कैन सी आपका स्टूडेंट आईडी 1 जो है वो बकेट आईडी 1 में आ गया। ऑल्सो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के बेसिस पे बकेटिंग कर रहे हो, बिकॉज अभी हमने नहीं बताया, तो वो डिफॉल्ट आई गेस स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे बकेटिंग कर दिया। हम उसको बता रहे हैं ऑर्डर बाय मार्क्स। तो अब क्या होगा कि जो सबसे कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो बकेट नंबर 1 में आ गए, और यू कैन सी बीच वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बकेट नंबर 2 में आ गए, और हाई स्कोरर्स 3 में आ गए। अगर आप लेट्स से डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो फिर ठीक उल्टा हो जाएगा। सबसे हाई स्कोरर्स आपके बकेट 1 में आ जाएंगे और फिर नीचे वाले 2 और 3 में आ जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट, आप ऑर्डर प्रिजर्व करना चाहते हो अगर, तो आप लिख सकते हो ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी। तो जिस तरीके से डेटा था पहले वैसा ही रहेगा। सो यू कैन सी नितिश जो पहला बच्चा था उसका बकेट आईडी 2 है, ऋषभ का 1 है बिकॉज ऑब्वियसली मार्क्स ज़्यादा हैं, एंड दैट्स इट। इस तरीके से आप करते हो। यहाँ पर इफ़ यू काउंट, अगर आप ये ऑर्डर आईडी हटा दो तो हमने 17 स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है 3 बकेट्स में। तो यू कैन सी 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 भी 6 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है। आई गेस मतलब जो भी है एक बार आप काउंट कर सकते हो, बट यू गेट द आइडिया, दैट इज हाउ बकेटिंग वर्क्स। वो अपने आप मार्क्स को यूनिफॉर्मली 3 बकेट्स में डिवाइड कर दिया और फिर आपको आंसर निकाल के दे दिया, ठीक है। तो ये तो उतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं था, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। सो हमारे पास स्मार्टफोन्स का भी डेटा है, अगर आपको याद होगा हमने किसी ना किसी क्लास में यूज किया है। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्मार्टफोन्स, ये हमारे पास एक डेटा सेट है। इस डेटा सेट में हमारे पास फोन्स का डिटेल है। मैं सब कुछ नहीं देखना चाहता, मैं बस देखना चाहता हूँ मॉडल। एक्चुअली आई विल ऑल्सो ट्राई टू कीप ब्रांड नेम, आई विल कीप मॉडल एंड आई विल कीप प्राइस। मैं बस ये 3 चीज़ें रखना चाहता हूँ। एंड नाउ आई वॉन्ट टू एड अ फोर्थ कॉलम, और उस कॉलम का नाम होगा टाइप ऑफ फोन, ठीक है, या फिर प्राइस रेंज बोल सकते हो आप उसको। और वो कैसे निकालना है, वो बेसिकली हमें एंटाइल यूज़ करके निकालना है, और हमें बेसिकली अपने सारे फोन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है, प्रीमियम फोन्स, मिड रेंज फोन्स, बजट फोन्स, ठीक है। तो कैसे करोगे आप ये काम, यहाँ पे आपको एंटाइल भी लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको केस स्टेटमेंट भी लगाना पड़ेगा, इफ एल्स भी लगाना पड़ेगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एंटाइल में 3 देना होगा, और यहाँ पे आप लिखोगे ओवर ऑर्डर बाय प्राइस, ठीक है। ये रन करने पे क्या होगा, यू विल सी कि आपके फोन्स प्राइस के हिसाब से बकेट्स में आ गए, बट अब हमें बकेट्स को नाम देना है, ठीक है, बकेट्स को नाम देना है। तो व्हाट वी विल डू इज वी वुड डू दिस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, विल मेक अ सब क्वेरी लाइक दिस, यू कैन सी। नाउ व्हाट आई विल डू इज कि अपार्ट फ्रॉम द ब्रांड नेम एंड द मॉडल नेम एंड द प्राइस वैल्यू, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल डू अ केस स्टेटमेंट, ठीक है। एंड केस स्टेटमेंट कैसे काम करता है, सो यू वुड राइट केस, केस इज लाइक इफ एल्स फॉर एसक्यूएल। और यहाँ पे मैं अपने इफ एल्स में कंडीशंस लिखते जाऊंगा। यहाँ पे होता है व्हेन, इफ के बदले व्हेन होता है, व्हेन इसको एक नाम दे देते हैं इस एंटाइल वाले को एज बकेट। सो मैं बोल रहा हूँ व्हेन बकेट इज इक्वल टू 1 देन आई वुड प्रिंट बजट, व्हेन बकेट इक्वल्स 2 देन मिड रेंज, व्हेन बकेट इक्वल्स 3 देन प्रीमियम, ठीक है। और फिर आपको केस स्टेटमेंट को एंड करना होता है और इस कॉलम को एक नाम देना होता है,
फोन अंडरस्कोर टाइप, ठीक है। और या दैट्स इट, इस कोड को अब आप जैसे ही रन करोगे यू कैन सी ये जो आपके चीपर फोन्स है दे आर ऑल बजट फोन्स। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे अराउंड 15-20,000 क्रॉस करोगे, 15,000 के आसपास मिड रेंज फोन्स हैं, और फिर अराउंड आई गेस 30+ पे प्रीमियम फोन्स स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ अराउंड 30 के आसपास प्रीमियम फोन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आप चाहते तो आप यहाँ पर पार्टीशन बाय कर सकते थे, पार्टीशन बाय ब्रांड अंडरस्कोर नेम भी कर सकते थे, बट आंसर आपको सिमिलर ही मिलता। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अब एप्पल के अंदर तीन कैटेगरीज बन गई, बजट और मिड रेंज और प्रीमियम। तो एप्पल के जो सबसे सस्ते फोन्स हैं उनको बजट बुलाया जा रहा है, वेर एज जो कॉस्टली फोन्स है इवन आपका 45,000 का फोन को भी बजट बुलाया जा रहा है, बिकॉज एप्पल में एक्चुअली ऐसा ही है। एप्पल में जब आप 1 लाख क्रॉस करोगे तब आपको प्रीमियम फोन्स वो कहलाते हैं। तो आई नो इतना लॉजिक नहीं बन रहा है इस बात का, बट जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि आप पार्टीशन बाय लगा सकते हो एंटाइल के ऊपर भी। यहाँ पे दिस वॉज नॉट लॉजिकल बट इन एनी अदर केस इट कुड बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल क्वांटिटी, नहीं बोल सकते इसको बिकॉज दिस इज लाइक अ आउटकम। तो ये करने के लिए आप एंटाइल यूज करते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। सो गाइज, जो नेक्स्ट मैथमेटिकल क्वांटिटी है जो आप एक विंडो फंक्शन के थ्रू अचीव कर सकते हो वो है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इट्स अ वेरी फेमस थिंग इन स्टैटिस्टिक्स। सो होता क्या है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी फॉर अ डिस्क्रीट कंटिन्यूस और मिक्सड वेरिएबल। इट इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग अप द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पी डी एफ एंड गेटिंग द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फॉर अ रैंडम वेरिएबल। सो मैं आपको रफ टर्म्स में समझाता हूँ, इवन इफ आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं पता। मान लो आपके पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं और आपके पास अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको सॉर्ट करके एक्स एक्सिस पे डाल सकते हो सारे मार्क्स को, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे बेसिकली आपके मार्क्स हैं, दे आर सॉर्टेड, और वाई एक्सिस पे क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आप रफली ऐसे समझ सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर मार्क का डेटा में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। रफली स्पीकिंग इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट बट इससे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर यू कैन सी कि 1.5 मार्क्स आने का प्रोबेबिलिटी इज हाईएस्ट, ठीक है, वेयर एज 1.1 और 1.2 के बीच में आने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, इट्स लाइक लेस देन 5%, वेयर एज दिस इज रफली अराउंड 30%, ठीक है। तो ये होता है पीडीएफ। अब इसी में अगर आप सारे पीडीएफ को जोड़ते जाओ, जैसे आप क्यूमुलेटिव सम करते हो वैसे अगर आप क्यूमुलेटिव पीडीएफ निकालो तो वो बन जाता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ। सो बेसिकली यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑरेंज लाइन दिस इज द सीडीएफ। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर नंबर पकड़ो तो ये नंबर ये बता रहा है हमें कि आपके डेटा में 1.7 से नीचे 90% वैल्यूज हैं, या फिर ऐसे बोला जाए कि 90% वैल्यूज 1.7 के नीचे है, ठीक है। अगर आप 1.5 को पकड़ो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि डेटा की 60% वैल्यूज 1.5 से कम है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर कर रहा है सीडीएफ। यहाँ पे अगर आप पढ़ो, व्हाट परसेंट ऑफ रोज इन द डेटा सेट हैव अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू द करेंट रो, ठीक है, दिस इज योर करेंट रो। आप बेसिकली ये बता रहे हो कि व्हाट परसेंट ऑफ रोज इन द डेटा सेट हैव अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू द करेंट रो, ठीक है। एंड दिस इज द रफ फॉर्मूला, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द फॉर्मूला बट इससे आप रफली सेम चीज निकाल सकते हो। क्या है ये, नंबर ऑफ रोज विथ अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू करेंट रो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज, इससे आपको ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यही चीज को पकड़ करके आप परसेंटाइल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटाइल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स से आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और आप ये निकालना चाहते हो कि कितने बच्चे 99 परसेंटाइल से ऊपर है, तो आप बहुत आसानी से ये सेम चीज लगा सकते हो। ये करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है विंडो फंक्शन, इसको बोलते हैं क्यूम डेस्ट, ठीक है। लेट मी शो यू ये कैसे काम करता है। सो मान लो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, हमारे पास अराउंड 17 स्टूडेंट्स का डेटा है और हम पता करना चाहते हैं कि वो कौन से बच्चे हैं जो 99 परसेंटाइल से ऊपर है,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये कोड लिखोगे, आप ये क्वेरी लिखोगे, आप लिखोगे क्यूम डिस्ट, ठीक है, ओवर ऑर्डर बाय मार्क्स और डिसेंडिंग, और इसको आप जैसे ही रन करोगे, अच्छा डिसेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो असेंडिंग से ही हो जाएगा, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो या यू कैन सी दिस गाय दीपक, ही हैज़ गॉट अ परसेंटाइल स्कोर ऑफ 1 बिकॉज ये बाकी सभी से ऊपर है। सो अगर आप सोचो ये इससे कितने लोग कम या बराबर है, 17 लोग टोटल डेटा में कितने रोज हैं, 17, तो 17 डिवाइडेड बाय 17, 100 परसेंटाइल, ठीक है। वेयर एज दिस गाय रोहित, ये कितने लोगों से ज़्यादा या बराबर है, 16 लोगों से, बिकॉज दीपक उससे ज़्यादा है, तो 16 डिवाइडेड बाय 17 इज 0.94, ठीक है। सेम विथ विनय एंड सेम विथ अर्पण, ठीक है, और ऐसे करते करते यू कैन सी दिस वैल्यू रिड्यूसेस, ठीक है। तो जितने आपके कम मार्क्स हैं, लाइक 69 अगर आपके मार्क्स हैं, तो आप बेसिकली 41% लोगों से ऊपर हो, ठीक है। अगर आपके 75 है, तो आप 47% लोगों से ऊपर हो, ठीक है। तो दिस इज वॉट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन डज। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसको बोल सकते हो एज परसेंटाइल स्कोर, वेयर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 99, एक्चुअली 0.99। ओके, सो हमें ये लगाना पड़ेगा सब क्वेरी, तो वी वुड राइट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टी वेयर टी डॉट परसेंटाइल स्कोर इज ग्रेटर देन 0.99, एंड यू कैन सी देयर इज ओनली वन स्टूडेंट। अगर आपको देखना है कितने लोग 90 परसेंटाइल से ऊपर है, तो दीज आर द स्टूडेंट्स जो 90 परसेंटाइल से ऊपर है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली परसेंटाइल वैल्यू नहीं बताता है, बट बहुत रफली क्लोज है। तो आप क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज करके यू कैन फाइंड आउट परसेंटाइल वैल्यूज, ठीक है। सो या आई होप आपको ये फंक्शन भी समझ में आ गया। सो या गाइज, ये कुछ मैथमेटिकल क्वांटिटीज थी जो आपको मुझे दिखाना था कि आप कैसे इनको विंडोज फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हो, विंडो फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हो। अभी एक दो क्वांटिटीज और आपको दिखानी थी, जैसे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज, और स्ट्रीक कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी आपको निकालना बताना था। बट थोड़ा रिसर्च करके समझ में आया कि इस वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज दोनों ही चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हैं, एंड मेरे को लगता है उनका डेडिकेटेड वीडियो रहेगा तभी सही है। तो आई विल टेक इट सम टाइम इन द फ्यूचर। वीडियो ख़त्म करने के पहले एक लास्ट चीज़ आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अभी तक हमने जब भी पार्टीशन बाय किया है, हमेशा एक कॉलम के बेसिस पे किया है, राइट। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर पार्टीशन बाय करना पड़े, उसका आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सो मेरे पास एक डेटा है, फ्लाइट्स का डेटा है, ठीक है। तो यू कैन सी मेरे पास अलग अलग डेट्स पे दो सिटीज़ के बीच में अलग अलग एयरलाइंस का फ्लाइट का डिटेल है, कितना ड्यूरेशन लेता है एंड ऑल, क्या प्राइस टिकट है, टिकट प्राइस है एंड ऑल, ये सारा डेटा है मेरे पास। अराउंड कुछ 10,000 रोज़ है शायद, बड़ा डेटा है। अब लेट्स से मुझे इसमें ये पता करना है कि कोई भी दो पेयर ऑफ सिटीज़ के बीच में, लेट्स से बैंगलोर और न्यू दिल्ली के बीच में, ऑन एन एवरेज चीपेस्ट फ्लाइट कौन सी है, मुझे ये पता करना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो आप क्या करोगे, आप पहले तो इस डेटा के ऊपर यू विल हैव टू मेक ग्रुप बाय, तीन चीज़ों के ऊपर आप ग्रुप बाय कर दो। पहला आप कर दो सोर्स के ऊपर, दूसरा कर दो डेस्टिनेशन के ऊपर, और तीसरा कर दो एयरलाइन के ऊपर। और कॉपी किया, पेस्ट किया और एवरेज ऑफ प्राइस निकाल दिया,
एज एवरेज फेयर। यू कैन सी मेरे पास अब हर दो पेयर ऑफ सिटीज के बीच में अलग अलग एयरलाइंस कितना चार्ज करती है ऑन एन एवरेज, ये इंफॉर्मेशन है। बट मुझे क्या करना है, मुझे टॉप लाइक सबसे चीपेस्ट वाला चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा विंडो फंक्शन। कौन सा, रैंक या फिर डेंस रैंक लगा सकते हैं। डेंस रैंक लगाएंगे ओवर किस चीज़ के ऊपर, दो चीज़ों के ऊपर आपको इस बार पार्टीशन करना है, ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों। तो आप लिखोगे पार्टीशन बाय सोर्स डेस्टिनेशन, ठीक है, एंड ऑर्डर बाय एवरेज फेयर। ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, दिस शुड बी हेयर और यहाँ पे आ जाएगा एवरेज ऑफ प्राइस। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, अब मेरे पास हर सेट ऑफ सिटीज़ के बीच में हर एयरलाइन को मैंने रैंक कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। इसको मैं बुला लेता हूँ एज रैंक, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है, इस पूरी चीज़ को एक सब क्वेरी में डाल देना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टी। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट राइट दिस कोड, टी डॉट रैंक इज लेस देन टू। आई एम सॉरी, वेयर टी डॉट रैंक। एंड या गाइस, यू कैन सी बैंगलोर दिल्ली के बीच में जो चीपेस्ट फ्लाइट है दैट इज स्पाइस जेट। ऑन एन एवरेज द फेयर इज 4,000। बैंगलोर न्यू दिल्ली, डेटा में थोड़ी गलती है, दिल्ली और न्यू दिल्ली दो अलग एयरपोर्ट्स हैं। ये डेटा क्लीनिंग से ठीक हो जाएगा। एयर एशिया है, चेन्नई कोलकाता में स्पाइस जेट है। तो यू कैन सी ज़्यादातर टाइम्स हमारे डेटा में इट्स स्पाइस जेट ओनली और देर इज़ ओनली वन फ्लाइट। वो भी अगर मैं न्यू दिल्ली को दिल्ली बना दूँ तो वो भी स्पाइस जेट ही रहेगा, राइट। तो बेसिकली इट्स स्पाइस जेट जो ऑन एन एवरेज सबसे सस्ती फ्लाइट प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन ऑल सेट ऑफ सिटीज, ठीक है। तो जो भी है, मतलब दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो यू कि आप पार्टीशन बाय कभी कभी मल्टीपल चीज़ों के बेसिस पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कभी सिचुएशन पड़े तो जस्ट बी रेडी। सो या गाइस, दैट वॉज द वीडियो। आई होप आपको विंडो फंक्शंस कम्प्लीटली समझ में आ गए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ। दैट इज़ वाई हमने इसके ऊपर ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे स्पेंड किए हैं, एंड आई हैव ट्राइड टू कवर एज मच एज पॉसिबल, एंड वी हैव एक्चुअली कवर्ड क्वाइट अ लॉट। मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फंक्शंस बचे होंगे। अब बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, इसके लिए आपको टास्क दिया जाएगा। सो वंस यू डू द टास्क, आई फील यू आर रेडी टू वर्क विथ एनी काइंड ऑफ सिनेरियो जहाँ पे आप विंडो फंक्शंस लगा सकते हो, ठीक है। सो या, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।